दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर आपने देखे होंगे बहुत से गर्ल्स के जो है फेक अकाउंट बनाकर इमेज उसकी कहीं ना कहीं आईडी से निकाल कर यूज कर बॉयज जो है ब्लैकमेल करते हैं। कुछ उनके पास न्यूड फोटोज होती हैं, वीडियोस होती हैं, और आजकल तो ऐसा होने लगा है जब आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको पता भी नहीं चलता है वो व्यक्ति आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेता है, और उसके बाद आपको वो व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए आपको मैसेज करता है ताकि आप मुझसे बात करो, नहीं तो मैं आपको वायरल कर दूंगा या फेसबुक पे डाल दूंगा या यूट्यूब पे डाल दूंगा आपको, मतलब बहुत तरीके से हरासमेंट करता है। इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, संयम रखना है और सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले जिन लोगों के फेक अकाउंट बने हैं, और मैंने एक स्टॉप एनसीसी करके एक वीडियो बनाई थी जिसपे बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस आया और बहुत सी लोगों की कंप्लेंट आई, इसलिए मेरे को ये इंस्टाग्राम के चलते जो इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बन रहा है इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर हो सके, ऐसे लोगों से सावधान हो सके। कैसे आप उस इंस्टाग्राम की आईडी की रिपोर्ट इंस्टाग्राम टीम को कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी भी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही है आपको वायरल कि हम आपकी जो पोस्ट है या वीडियो है या न्यूड फोटो है या कुछ ऐसी न्यूड फोटोज है या वीडियो कॉल की न्यूड है तो आप उसको कैसे रिमूव करवा सकते हैं, हटा सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम टीम से बात करके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताने वाला हूं कि कैसे आपको सबमिट करना है फॉर्म, एक आपको फॉर्म भरना होगा, कैसे भरना है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं मुकेश, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी आपके नाम से फेक अकाउंट इंस्टाग्राम पर बना दिया गया है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो एक छोटा सा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में आपको अपनी ओरिजिनल आईडी देनी है, एक आईडी प्रूफ देना है, कोई भी दे सकते हैं ताकि इंस्टाग्राम को जो पता लगे कि आप जेन्युइन बंदे हैं। तो और एक आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी है। तो सबसे पहले गूगल में आ जाना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम रिपोर्ट फिल फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं आपको फर्स्ट वाला लिंक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट एंड अकाउंट दैट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं गाइज, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर फिल आउट दिस फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर चार स्टेप मिलेंगे, आपको सेकंड स्टेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो आपका रियल आईडी में नेम है, जेन्युइन नेम डालना है, और यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है, जिस नेम से फेक अकाउंट बना है, यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आइडेंटिटी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपको रीज़न डालना है, उसने क्या किया है आपके इंस्टाग्राम आईडी पर, क्या क्या डाला है, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर देना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे ये इंस्टाग्राम टीम को मेल चला जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा।
आई होप उम्मीद कर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है फॉर्म सबमिट करने में आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।